जय हिंद दोस्तों। देश के जवानों की तरफ से एक और दुखद खबर सामने, जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले से निकल कर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में हुए आतंकी मुठभेड़ में हमारे देश के एक और वीर योद्धा जवान CRPF ASI विनोद कुमार हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। बता दें कि यह घटना जम्मू कश्मीर के पुलवामा के गेंगू क्रॉसिंग के पास एक चेक पोस्ट के पांचवें दिन दूसरी बार आतंकी हमला हुए। फायरिंग के दौरान वहाँ पर CRPF के ASI जवान विनोद कुमार तैनात शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वही CRPF का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है, जिसकी पहचान ASI विनोद कुमार के रूप में हुए है। बता दें कि विनोद के इलाज के दौरान दम तोड़े हैं। जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी ने कहा कि दोपहर करीब 2:20 में यह घटना हुई है। आतंकवादियों साउथ कश्मीर के गंगू इलाके में पुलिस और CRPF के संयुक्त नाका पार्टी के गोलाबारी कर दी, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान और जम्मू कश्मीर के 182 बटालियन का ASI विनोद कुमार घायल हो गए थे। उन्हें पुलवामा में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिए। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाकों को घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। साबा के मंगूचक गांव में रहने वाले पुलिस की बीती रात इलाके में देखे गया एक ड्रोन के बारे में खबर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उस एरिया को तलाशी अभियान चलाया। DSP ऑपरेशन साबा गारूस राम भारद्वाज ने के अनुसार बताया गया कि रात में उन्हें कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सर्च शुरू हुआ था। पूरा इलाका सर्च कर दिया गया है, जिसमें कुछ भी नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि यह जवान हमारे देश की रक्षा करते हुए आज करीब 2:20 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ में ASI विनोद कुमार शहीद हो गए हैं। शहादत से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर शहीद जवान विनोद कुमार के लिए आप लोगों को जरा सा भी रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मैं भगवान से यही विनती प्रार्थना करता हूँ कि शहीद जवान विनोद कुमार को आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहन शक्ति दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।